हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी इस उम्मीद के साथ कि आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और दुआ करता हूं कि आप और आपके घर वाले सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज शुरू हो चुकी है जिसका ये 15th पार्ट है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोज नहीं देखी है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में वो वीडियोज भी देख सकते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेहतर कंटेंट आपको यहाँ से मिलता रहेगा और आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। अभी तक हमने 74 रूल्स जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हैं कवर कर लिए हैं। आज हम एक ही रूल पढ़ेंगे जो कि बहुत ही लेंथी है, जिसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर है, आज हमें वो डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर देखते हैं हम। स्ट्रक्चर है नो प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अगर एज ए सब्जेक्ट यूज होता है इन द सेंटेंस नो प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये बात मैंने पिछले वीडियो में कई बार बताई है। अगर आप नए हैं, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए के जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उन्हें इंग्लिश में सिंगुलर ही काउंट किया जाता है। मतलब जो गिने नहीं जा सकते, जिन संज्ञाओं को हम गिन नहीं सकते उन्हें इंग्लिश में सिंगुलर ही काउंट किया जाएगा, माना जाएगा। तो नो प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनता है तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना। एग्जाम्पल देखिए, नो वर्क हैज बीन डन, यहाँ पर नो आ गया और वर्क क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क यहाँ पर वर्ब के तौर पर नहीं आया बल्कि नाउन के तौर पर आया है और नाउन के हिसाब से यहाँ पर ये अनकाउंटेबल है। नाउन तो है लेकिन अनकाउंटेबल है और इसे सिंगुलर ही काउंट किया जाता है। तो नो वर्क हैज बीन डन का अर्थ क्या होगा, कोई काम नहीं किया गया है, कोई काम नहीं किया गया है, ये इसका हिंदी अनुवाद है आपके सामने। सेकेंड स्ट्रक्चर देखिए, नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ अनकाउंटेबल था यहाँ पर काउंटेबल है। तो नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज्ड इन द सेंटेंस, किसी भी वाक्य में अगर सब्जेक्ट के तौर पर ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाता है तब भी आपको क्या प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। यहाँ पर तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन था इसलिए आपने सिंगुलर का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पर अगर काउंटेबल है लेकिन सिंगुलर है फिर भी आपको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। एग्जाम्पल आपके सामने, नो पेन वॉज अवेलेबल, कलम नहीं था, मतलब पेन नहीं था। ओके, तो इस वाक्य का अर्थ हुआ नो पेन वॉज अवेलेबल, कलम नहीं था, पेन नहीं था। अब नो देखिए, स्ट्रक्चर से आप यानी कि मिलान कीजिए, नो आ गया हमारा और प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन पेन है, ये नाउन भी है, इसे गिना भी जा सकता है और ये सिंगुलर भी है क्योंकि SIS इसमें नहीं लगा हुआ है। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्लाइड और ये थे दो स्ट्रक्चर जो अभी हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं नोट में कुछ और स्ट्रक्चर है। जो तीसरा स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर, नो प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। अभी हमने देखा लास्ट रूल क्या था कि नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब नाउन तो ऐसा हो जो गिनने योग्य हो लेकिन सिंगुलर फॉर्म में हो। अगर बाय द वे प्लूरल फॉर्म में आ जाए वो तो क्या करेंगे, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, नो पेन्स वर अवेलेबल, वहां पर था नो पेन वॉज अवेलेबल, यहाँ पर है नो पेन्स वर अवेलेबल। तो नो, ये स्ट्रक्चर देखिए, नो आ गया प्लस में प्लूरल काउंटेबल नाउन की जगह पेन्स आ गया, तो हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना था, हमने वर्ब का प्रयोग कर दिया। एग्जाम्पल का अर्थ क्या होगा, कोई पेन उपलब्ध नहीं था, कोई पेन उपलब्ध नहीं था। नेक्स्ट देखिए, लिटिल अ लिटिल द लिटिल प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। हमने पिछले वीडियोस में लिटिल अ लिटिल द लिटिल को डिस्कस किया है लेकिन एज ए स्ट्रक्चर एक साथ हम यहाँ पर दोबारा इसको डिस्कस कर रहे हैं। लिटिल अ लिटिल द लिटिल तीनों का अर्थ क्या होता है आप हमारी वीडियोज में जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। अगर स्ट्रक्चर इनके साथ ये होता है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन इनके साथ प्रयोग किया जाए तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना। एग्जाम्पल तीनों आपके सामने है, अ लिटिल वर्क हैज बीन डन, थोड़ा काम किया गया है, थोड़ा काम किया गया है, अ लिटिल वर्क हैज बीन डन। अ लिटिल आ गया, उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर क्या आया है, वर्क आया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, लिटिल वर्क हैज बीन डन, थोड़ा काम किया गया है, एक जैसे ही अर्थ निकलते हैं। बस अ लिटिल और लिटिल में यह फर्क होता है कि लिटिल में थोड़ी सी पॉजिटिविटी होती है और लिटिल में बिल्कुल नेगेटिव, नहीं के बराबर एकदम। लिटिल वर्क हैज बीन डन, थोड़ा काम किया गया है, मतलब नहीं के बराबर काम किया गया है। द लिटिल वर्क हैज बीन डन, थोड़ा काम किया गया है।
मतलब जो काम था चाहे वो थोड़ा था ज्यादा था लेकिन जितना भी था वो सारा का सारा काम कर लिया गया है। तो ये तो लिटिल के जो अर्थ है उनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है उस वीडियो में हमने आपको बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि लिटिल अ लिटिल द लिटिल के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाए तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। देखिए हैज बीन सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पर भी हैज बीन सिंगुलर वर्ब है और यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। लिटिल ऑफ अ लिटिल ऑफ द लिटिल ऑफ प्लस इट दिस दैट एवरीथिंग, अगर इनमें से कोई स्ट्रक्चर आपका वाक्य का सब्जेक्ट बनता हो, लिटिल ऑफ के साथ इट दिस दैट एवरीथिंग इनमें से कोई शब्द का प्रयोग किया जाता हो तब आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल से स्ट्रक्चर बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। अ लिटिल ऑफ इट वॉज डिस्क्राइब्ड, इसका थोड़ा बहुत वर्णन किया गया था। अ लिटिल ऑफ इट वॉज डिस्क्राइब्ड, देखिए कौन सी वर्ब का प्रयोग किया है, वॉज का, जो कि क्या है, सिंगुलर वर्ब है। और हमने यहाँ पर जो ऊपर स्ट्रक्चर दिए गए हैं उनमें से भी जो सब्जेक्ट बनना चाहिए वो यहाँ पर नजर आ रहा है। अ लिटिल ऑफ ये रहा, तो यहाँ पर देखिए आप अ लिटिल ऑफ प्लस इट, तो ये इट है, यहाँ पर भी इट का प्रयोग हुआ है। तो अ लिटिल ऑफ इट वॉज डिस्क्राइब्ड, इसका अर्थ क्या होगा, इसका थोड़ा बहुत वर्णन किया गया था। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अ लिटिल ऑफ दिस वॉज डिस्क्राइब्ड, अब इट की जगह किसका प्रयोग किया गया है, दिस का। अ लिटिल ऑफ दिस वॉज डिस्क्राइब्ड, इसका थोड़ा सा वर्णन किया गया था, इसका थोड़ा सा वर्णन किया गया था। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द लिटिल ऑफ दैट वॉज डिस्क्राइब्ड, उसमें से कुछ का वर्णन किया गया था। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग वॉज डिस्क्राइब्ड, सब कुछ का थोड़ा सा वर्णन किया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि लिटिल ऑफ अ लिटिल ऑफ द लिटिल ऑफ प्लस इट दिस दैट एवरीथिंग, इनमें से अगर किसी का भी प्रयोग किया जाता है एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस तो आपको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। इन स्ट्रक्चर के साथ सिंगुलर वर्ब का ही आपको प्रयोग करना है। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मच, नॉट मच प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, मच या नॉट मच प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज सिंगुलर वर्ब, क्या प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो एग्जाम्पल देखिए, मच मिल्क हैज बीन सोल्ड, मच मिल्क हैज बीन सोल्ड, तो स्ट्रक्चर जो ऊपर गिवन होता है उससे मिलान करना चाहिए के वाक्य में, सेंटेंस में, एग्जाम्पल में वो स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है या नहीं। आप देखिए यहाँ पर मच गिवन है, दिया हुआ है, यहाँ पर भी मच है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के स्थान पर हमने क्या इस्तेमाल किया है, मिल्क। अब मिल्क क्या है, नाउन तो है, अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता, इसलिए इसे सिंगुलर ही माना जाता है। तो इसके साथ हमने हैज बीन का प्रयोग किया हैज बीन का, हैज बीन क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो यही असल में रूल है कि मच प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। हिंदी अर्थ आपको दिख रहा है, दूध खूब बिका है। सेकेंड स्ट्रक्चर देखिए, नॉट मच प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, एग्जाम्पल है नॉट मच मिल्क हैज बीन सोल्ड, नॉट मच मिल्क सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है सोल्ड। ओके, तो ये इसका अर्थ क्या होगा, ज्यादा दूध नहीं बिका है। तो आपको अर्थ अभी वाक्यों के अर्थ पे नहीं जाना है, एग्जाम्पल में सिर्फ ये देखना है कि जो गिवन स्ट्रक्चर है ऊपर रूल के तौर पर उसके मुताबिक यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बना हुआ है और सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सी वर्ब का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो हैज बीन ये सिंगुलर वर्ब है और यहाँ पर भी हैज बीन क्या है, सिंगुलर वर्ब है। आगे देखिए, मच ऑफ, नॉट मच ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ मच नॉट मच था, यहाँ ऑफ इनके साथ प्रीपोजिशन प्रयोग किया गया है। अगर इनमें से स्ट्रक्चर एज अ सब्जेक्ट यूज इन द सेंटेंस देन व्हाट विल वी यूज इन एट द प्लेस ऑफ वर्ब, हम वर्ब के स्थान पर कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, यूज सिंगुलर वर्ब, हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है अगर ये सब्जेक्ट बनता है। एग्जाम्पल, नॉट मच ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट, नॉट मच ऑफ ये गिवन स्ट्रक्चर है आपके सामने देखिए यहाँ पर, ओके, और मनी क्या हो गया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया। याद रखना है पैसे हम गिन सकते हैं, गिनते भी हैं और हर भाषा में पैसे गिने जा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश भाषा में ये जो शब्द है मनी इसे अनकाउंटेबल नाउन ही माना जाता है, ये एक फैक्ट है इंग्लिश भाषा के हवाले से जो आपको याद रखना है। ओके, मच ऑफ, नॉट मच ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन,
यहाँ पर स्ट्रक्चर में ये वाला स्ट्रक्चर बन गया है, इसलिए हमने हैज बीन का प्रयोग किया है, जो कि क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मच ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट। अब दूसरा स्ट्रक्चर मच ऑफ मनी हो गया हमारा, मच ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट हो गया, तो हमें वर्ब का प्रयोग करना था जो क्या होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब, तो हमने यहाँ पर हैज बीन का प्रयोग कर दिया, मच ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट, बहुत पैसा खर्च किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, वन थर्ड ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये बहुत एक्सेप्शनल पार्ट है, बहुत ही कम प्रयोग होने वाले स्पोकन में रिटन में, लेकिन एटलीस्ट मालूम होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि अगर एज अ सब्जेक्ट इन शब्दों का अगर प्रयोग कर लिया जाए तो हम वर्ब कौन से इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम में एग्जामिनर किसी भी तरह का सवाल पूछ सकता है, उसके वहां पर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखिए, वन थर्ड ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो हम इस स्ट्रक्चर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से चीज को समझते हैं, वन थर्ड ऑफ द मिल्क इज येट टू बी सोल्ड, वन थर्ड ऑफ द मिल्क इज येट टू बी सोल्ड। ये मालूम होना भी जरूरी है कि इंग्लिश में जब वन थर्ड ऑफ बोला जाता है तो उसका अर्थ होता क्या है, इसलिए आपके सामने यहाँ पर हिंदी अर्थ लिख दिया गया है, एक तिहाई दूध अभी बिकना बाकी है। हमने एक इकाई ली है, यूनिट लिया है दूध, इसको हम यानी कि इस तरीके के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हम प्रयोग करने वाले हैं। तो आपको एग्जाम्पल की तरफ ज्यादा नजर रखनी है, ताकि आपको कम से कम ये भी मालूम रहे कि वन थर्ड, टू थर्ड, थ्री फोर्थ, इनका हिंदी में अनुवाद क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा जो गिवन स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक हम एग्जाम्पल को देखते हैं। वन थर्ड ऑफ ये आ गया हमारा हिस्सा, ये वाला सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन द मिल्क आ गया, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमें कहा गया कि अगर ये सब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, इज देखिए क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो वन थर्ड ऑफ द मिल्क इज येट टू बी सोल्ड। अगर आप यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे तो यूज गलत हो जाएगा, वाक्य गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अगर इसका प्रयोग किया जाता है एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, टू थर्ड ऑफ द मिल्क इज येट टू बी सोल्ड, दो तिहाई दूध अभी बिकना बाकी है। ओके, टू थर्ड ऑफ द मिल्क इज येट टू बी सोल्ड। तीसरा स्ट्रक्चर देखिए, थ्री फोर्थ ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, थ्री फोर्थ ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यहां पर भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, थ्री फोर्थ ऑफ द मिल्क इज येट टू बी सोल्ड, तीन चौथाई दूध अभी बिकना बाकी है। तो ये स्ट्रक्चर है, याद रखना है, वन थर्ड ऑफ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, टू थर्ड ऑफ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, थ्री फोर्थ ऑफ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाता है एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, देन यूज सिंगुलर वर्ब विद देम। ओके गाइस, नेक्स्ट, द रेस्ट ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये भी बहुत प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, उनसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला जो स्ट्रक्चर है वो ये है, द रेस्ट ऑफ, द रेस्ट ऑफ स्पोकन में बहुत ज्यादा स्पोकन में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के जरिए से हम इस वाले स्ट्रक्चर को समझेंगे कि द रेस्ट ऑफ के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तब भी हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, द रेस्ट ऑफ द मिल्क इज येट टू बी सोल्ड, बाकी दूध की बिक्री होना अभी बाकी है। द रेस्ट ऑफ द मिल्क, जो कुछ बच जाता है उसके लिए द रेस्ट ऑफ का प्रयोग करते हैं, उसके बाद उस नाउन का जो बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप, द रेस्ट ऑफ के बाद द मिल्क का प्रयोग हुआ है, जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसके बाद देखिए, द रेस्ट ऑफ यानी बाकी के अर्थ में आता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, अ क्वार्टर ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अ क्वार्टर ऑफ, ये वर्ड भी प्रयोग किया जाता है, क्वार्टर तो हम सुनते भी हैं। अगर ये वाला स्ट्रक्चर एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आता है, अ क्वार्टर ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए आप, अ क्वार्टर ऑफ द मिल्क इज येट टू बी सोल्ड, एक चौथा ही दूध अभी बिकना बाकी है। अ क्वार्टर ऑफ का जो हिंदी अनुवाद होता है वो है एक चौथा ही, ये भी आपको याद होना जरूरी है, ताकि ट्रांसलेशन में कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको न उठानी पड़े। नेक्स्ट स्लाइड है, पार्ट ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये स्ट्रक्चर है, पार्ट ऑफ के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का। एग्जाम्पल, पार्ट ऑफ द मिल्क इज येट टू बी सोल्ड, दूध का एक हिस्सा अभी बेचा जाना बाकी है। ओके, 10% ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, 10% हो सकता है, यहाँ 10 की जगह कुछ भी हो, नंबर कोई बदल सकते हैं, लेकिन परसेंट ऑफ,
परसेंट ऑफ के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा तब भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, 10% ऑफ द मिल्क इज यर टू बी सोल्ड, 10% दूध अभी बिकना बाकी है। ये एक ही एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि आप सभी वाक्यों को एक साथ देख सके आसानी से, यानी कि समझ सके। ओके, तो इस वाली स्लाइड में तीन स्ट्रक्चर है, पार्ट ऑफ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, दूसरा क्या है 10% ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अगर इनके साथ अगर ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होंगे तो हम सिंगुलर वर्ब का इनके साथ प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है 1/3 ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब यानी अभी तक हम जो देखते आ रहे थे लास्ट स्लाइड्स में वो सब ये था कि इन सार यूनिट्स के बाद क्या था, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन चला आ रहा था, लेकिन अगर इसकी जगह पर अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके, तो आप देख लीजिए यहाँ पर वही वाले स्ट्रक्चर है जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, 1/3 ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, 2/3 ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, 3/4 ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन, द रेस्ट ऑफ, द क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ। तो ये वाले स्ट्रक्चर अगर एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं किसी वाक्य में तब हमें किसका प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है यूज प्लूरल वर्ब विद दीज स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स के साथ हमें प्लूरल वर्ब का बहुवचन क्रिया का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल आपके सामने है, 3/4 ऑफ द बुक्स आर रेडी, 3/4 किताबें तैयार है। अब आप देखिए द 3/4 ऑफ, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, द बुक्स हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन, बुक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है लेकिन बुक्स यहाँ पर आया है तो क्या हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो हमने आर का प्रयोग किया है जो कि क्या है प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, 40% ऑफ, मैंने कहा था कि यहाँ पर नंबरिंग में चेंजेस हो सकते हैं लेकिन इसके बाद जो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा उसके हिसाब से हम वर्ब कौन से प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब प्रयोग करेंगे, तो हमने यहाँ पर हैव का प्रयोग किया है जिसका अर्थ क्या होगा 40% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, 40% छात्र पास हुए हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स क्या है, मोस्ट प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, मोस्ट ऑफ, सम, सम ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, एनफ, एनफ ऑफ, नॉट एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ये सभी स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहे हैं आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके इन्हें याद भी कर सकते हैं, राइट डाउन भी कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अगर इन शब्दों का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में हो जाए तो उनके बाद हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मोस्ट के बाद, अगर इन सभी के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का अगर प्रयोग हुआ हो तो हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, सम कॉफी इज अवेलेबल हियर, यहाँ कुछ कॉफी उपलब्ध है, सम कॉफी इज अवेलेबल हियर, यहाँ पर कुछ कॉफी उपलब्ध है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हाफ ऑफ द लैंड इज इरिगेटेड, आधी जमीन क्या है सिंचित है, सिंचाई की हुई है। तो यहाँ पर दो वाक्य है आपके सामने, देखिए सम आया है एक एग्जाम्पल में, दूसरे में हाफ ऑफ द आया है, तो यहाँ पर कॉफी क्या है, कॉफी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और उसी तरीके से लैंड क्या है, लैंड भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। दोनों ही वाक्यों में स्ट्रक्चर को यानी कि अप्लाई करके देखा गया है, आप भी देख सकते हैं, सम के बाद कॉफी है जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, हाफ ऑफ के बाद द लैंड है जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना था, हमने इसका किया जो कि सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिंगुलर वर्ब का हमने प्रयोग किया है, यही सही स्ट्रक्चर है और यही सही प्रयोग है। याद रखना है कि मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम, सम ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इन सब के साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाए तो आपको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। अभी जो रूल्स पढ़ रहे हैं वो आमतौर पर ना तो हम यूट्यूब पर देखते हैं और ना हम पढ़ते हैं, हमारी आदत हो गई है जनरल रूल्स जानने की और ज्यादा डेप्थ में जाने की आदत है नहीं, तो हमारा प्लेटफॉर्म उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है जो चीजों को यानी डेप्थ में जानना चाहते हैं, इंग्लिश का हर स्ट्रक्चर वो जानना चाहते हैं और वो एग्जाम से आगे बढ़कर भी चीजों को देखना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर भरपूर कंटेंट है।
वो बहुत ज्यादा फायदा उठाने वाले हैं। अगली स्लाइड देखिए आप, मोस्ट प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब वो तमाम शब्द वही है जो हमने पिछली स्लाइड में कवर किए हैं, लेकिन वहां पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका प्रयोग था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हुआ है। देखिए, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम, सम ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ, प्लेंटी ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। अगर इन सभी शब्दों का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ अगर होगा तो हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल आपके सामने, हाफ ऑफ द मैंगोज वर रॉटन, आधे आम सड़े हुए थे, मतलब बहुत सारे मैंगोज थे उनमें से आधे क्या थे, सड़े हुए थे, खराब थे। हाफ ऑफ द मैंगो वाज रॉटन, एक आम में से आधा आम सड़ा हुआ था, खराब था। ओके, यहाँ पर ये आपके सामने दो एग्जाम्पल है, हाफ ऑफ द मैंगोज वर रॉटन, आधे आम सड़े हुए थे। अब आप ये देखिए, यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हमने वर का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, वर का, क्योंकि प्लूरल वर्ब है। लेकिन यहाँ पर मैंगो है, क्या है, मैंगो, जो कि क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। लेकिन ये यहाँ पर किस सेंस में आया है, ये आया है यहाँ पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन वाले सेंस में, यानी एक ही आम को अनकाउंटेबल बनाकर प्रयोग किया गया है और इसी के हिसाब से कहा गया है एक आम में से आधा आम खराब है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर, यह खराब था इसके लिए हमने वॉज का प्रयोग किया है, जो कि क्या है, सिंगुलर वर्ब है और वर क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो एक जो एक्सेप्शनल पॉइंट है यहाँ पर ये है कि हाफ ऑफ द मैंगो वॉज रोटन, यहाँ ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया है और इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स देखते हैं अब, द परसेंटेज ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये वाला स्ट्रक्चर बनता हो या फिर ये बनता हो द परसेंटेज ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, दोनों में से कोई भी नाउन इसके बाद प्रयोग किया गया हो, हमें तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। ओके, याद रखना, एग्जाम्पल आपके सामने, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज वेरी लो। अब आप देखिए द परसेंटेज ऑफ सक्सेस, अब सक्सेस कोई गिनने वाली चीज तो है नहीं, तो अनकाउंटेबल है, और जो अनकाउंटेबल है वो क्या है, सिंगुलर है। तो ये हो गया हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब इससे पहले द परसेंटेज ऑफ, तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का तो पूरा हो गया, हमें प्रयोग करना सिंगुलर वर्ब, तो इसका हमने यहाँ पर प्रयोग कर दिया है। सफलता का प्रतिशत बहुत कम है, मतलब कामयाबी बहुत कम मिली है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स इज वेरी स्मॉल। द परसेंटेज ऑफ, ये स्ट्रक्चर हो गया, एक्सपर्ट टीचर्स जो है, टीचर्स, टीचर्स ये क्या है, प्लूरल है, काउंटेबल नाउन है, नाउन तो है लेकिन एस लगा हुआ इसलिए प्लूरल है और काउंटेबल है क्योंकि इसे गिना जा सकता है। द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स इज वेरी स्मॉल, विशेषज्ञ टीचरों का प्रतिशत बहुत कम है, मतलब एक्सपर्ट टीचर बहुत ही कम है रेशो में। ओके गाइज, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम, मोर देन वन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये स्ट्रक्चर, मोर देन वन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो ये वाला अगर स्ट्रक्चर बनता है किसी वाक्य का तो हमें सिंगुलर वर्ब का उसके साथ प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, मोर देन वन स्टूडेंट वॉज एब्सेंट, एक से अधिक छात्र अनुपस्थित रहे या अनुपस्थित थे। ओके, मोर देन वन, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो स्टूडेंट आ गया जो कि सिंगुलर है, काउंटेबल भी है और नाउन भी है, तो हमारा सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर अगर पूरा हो गया तो हमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना था, इसलिए हमने वॉज का प्रयोग यहाँ पर किया है जो कि सिंगुलर वर्ब है, एक से अधिक छात्र अनुपस्थित रहे। मोर देन टू और थ्री एटसेट्रा, ऐसे नंबर नंबर बढ़ा सकते हैं अपन, अगर ये वाला स्ट्रक्चर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, ऊपर क्या था मोर देन वन, लेकिन यहाँ क्या है मोर देन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, अगर ये वाला स्ट्रक्चर एज अ सब्जेक्ट यूज्ड इन द सेंटेंस देन फॉलो दिस, प्लूरल वर्ब का ही हमें प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, मोर देन टू स्टूडेंट्स वर अब्सेंट, यानी दो से अधिक छात्र अनुपस्थित थे या रहे, मोर देन टू आया है यहाँ पर, स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हमारा जो ऊपर गिवन स्ट्रक्चर है वो तो फॉलो हो रहा है, अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे और हमने किया भी है वर्ब का, जो कि पास्ट कंटिन्यूस में प्लूरल फॉर्म में प्रयोग की जाती है। तो दो से अधिक छात्र अनुपस्थित रहे, ये वाक्य का हिंदी अनुवाद है। नेक्स्ट क्या है, मोर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन वन, यहाँ मतलब ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो आमतौर पर नहीं पढ़ते हैं, अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है आई थिंक हो सकता है कि वो पहली मर्तबा इन सभी स्ट्रक्चर से यानी कि परिचित हुआ हो, वो देख रहा हो कि ये भी स्ट्रक्चर्स हैं जिनके साथ
वर्ब क्या प्रयोग की जाएगी यह भी जानना जरूरी होता है। अब आप यहां पर देखिए मोर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन वन, प्लस देन वन मोर इस वाले स्ट्रक्चर से तो आप वाकिफ होंगे क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है स्पोकन में भी और रिटन फॉर्म में भी, लेकिन ये बहुत रेयर है। मोर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन वन यूज प्लूरल वर्ब, इसके साथ भी हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल आपके सामने है मोर पेन्स देन वन वर ब्राउट, एक से अधिक पेन खरीदे गए, एक से अधिक पेन खरीदे गए। मोर पेन्स देन वन इसका अर्थ कैसे होगा हिंदी में, ये आप हिंदी वाक्य का अर्थ देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका अर्थ होगा एक से अधिक पेन खरीदे गए। ओके, तो ये थे हमारे अभी तक के स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं हम द एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव बिकम प्लस प्लूरल नाउन, कहने का मतलब है द आए और फिर कोई एडजेक्टिव आए, एडजेक्टिव आए मतलब बिकम, कोई चीज जो बनने वाली है, कोई बनता है या कोई है उसका स्टेट बताने वाला कोई एडजेक्टिव आए तो हम उसके बाद अगर प्लूरल नाउन आए तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में याद होना जरूरी है। बस इसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि दिखने में सिंगुलर फील होता है लेकिन होता प्लूरल है, ये कंफ्यूजनल पार्ट है यहाँ पर द रिच। ओके, ये आ गया हमारा आर्टिकल द जो डेफिनेट आर्टिकल है और द रिच, रिच क्या है एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर द रिच देखने में सिंगुलर है लेकिन हम इसके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, आर का। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है किसी एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल लग जाता है आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल तब वो पूरी जाति को डिनोट करता है, क्या करता है पूरी जाति को डिनोट करता है। आप हिंदी अर्थ देखकर ये बात समझ सकते हैं द रिच आर लेजी, अमीर आलसी है, अमीर आलसी है या अमीर आलसी होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए द पुअर आर लेबोरियस, गरीब मेहनती है या गरीब मेहनती होते हैं। द पुअर यहाँ पर पुअर क्या एडजेक्टिव है, उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है इसीलिए हमने क्या प्रयोग किया है आर, जो कि क्या है प्लूरल वर्ब है और यहाँ पर भी हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। स्ट्रक्चर जो याद रखना है वो ये है कि अगर किसी एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है तब वो पूरी तरह से एक जाति को डिनोट करने वाला शब्द होता है, उसे हम सिंगुलर काउंट नहीं करेंगे बल्कि प्लूरल ही मानेंगे। ओके, जैसे और भी बहुत सारे वाक्य हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है, दो वाक्य आपके सामने हैं द रिच आर लेजी, अमीर आलसी हैं या होते हैं, द पुअर आर लेबोरियस, गरीब मेहनती है या गरीब मेहनती होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है वन और टू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, एक या दो, एक या दो हम हिंदी में भी इसका प्रयोग करते हैं, अगर इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए वन और टू क्रिमिनल्स वर सेंट टू जेल, एक दो अपराधियों को जेल भेजा गया, एक दो अपराधियों को जेल भेजा गया, ये एक्सप्रेशन हमारे हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। एक दो स्टूडेंट आए हैं स्कूल में क्लास में, हम ऐसे बोलते भी हैं। तो अगर ये वाला स्ट्रक्चर बनता है वन और टू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन तब हम प्लूरल वर्ब का उसके साथ प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल सामने है वन और टू, वन और टू आ गया, क्रिमिनल्स क्या है प्लूरल है, काउंटेबल भी है और नाउन भी है, नाउन तो है काउंटेबल भी है और प्लूरल भी है क्योंकि एस लगा हुआ है इसलिए क्या है प्लूरल नाउन है, हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है जो कि क्या है वर्ब, प्लूरल वर्ब है। एग्जाम्पल का अर्थ क्या होगा एक दो अपराधियों को जेल भेजा गया। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप द मेजोरिटी, द मेजोरिटी अ माइनॉरिटी प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज प्लूरल वर्ब। अब यहां पर क्या है द मेजोरिटी या अ मेजोरिटी या अ माइनॉरिटी प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये वाला अगर स्ट्रक्चर बनता है इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। न्यूज़पेपर में भी इसका प्रयोग होता है, स्पोकन में भी इसका प्रयोग होता है लेकिन इसके साथ वर्ब में आमतौर पर गलती हो ही जाती है। यूज प्लूरल वर्ब, एग्जाम्पल द मेजोरिटी ऑफ पीपल आर ट्रेटर्स, अधिकांश लोग देशद्रोही है, अधिकांश लोग ज्यादातर लोग क्या है देशद्रोही है, ट्रेटर्स है। अब यहाँ पर आप देखिए जो ऊपर गिवन स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक यहाँ पर एग्जाम्पल है या नहीं है, द मेजोरिटी आ गया ये और मेजोरिटी आ गया, ऑफ आ गया, प्रीपोजिशन पीपल आ गया, पीपल आ गया। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन यहाँ पर पीपल क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है या नहीं है, यानी इसका प्रयोग किया जाता है, ये हमने पिछली वीडियोस में प्रयोग किया है
या हमने बताया भी है कि पीपल का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, इस तरीके से भी प्लूरल काउंटेबल नाउन भी उसको माना जाता है। आमतौर पर क्या समझते हैं हम कि ये तो कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन को हम काउंटेबल नहीं मानते हैं, लेकिन पीपल का अर्थ दो यानी कि दो तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। द मेजोरिटी ऑफ पीपल आर ट्रेटर्स, अधिकांश लोग देशद्रोही हैं। हम नाउन देखिए, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, यानी कि नाउन आए फिर प्रीपोजिशन आए फिर वही नाउन दोबारा आए, तो हम उस वक्त कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल है वुमेन आफ्टर वुमेन हैज कम टू सी माय बेबी, एक के बाद एक औरतें या एक के बाद एक औरत मेरे बच्चे को देखने आई। अब वुमेन क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, और वुमेन क्या है, नाउन है, तो दोनों नाउन सेम है और इनके बीच में प्रीपोजिशन है, तो यही बात कही गई है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन तब हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके, वुमेन आफ्टर वुमेन हैज कम टू सी माय बेबी, एक के बाद एक औरत मेरे बच्चे को देखने आई। आज के वीडियो की लास्ट स्लाइड जिसे हम अब कवर करने जा रहे हैं, नथिंग बट, एवरीथिंग बट प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्लस या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कोई सा भी नाउन आ जाए, कोई सी भी स्थिति यहाँ पर बन जाए, जैसे नथिंग बट के बाद एवरीथिंग के बाद, एवरीथिंग बट के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल आ जाए या प्लूरल काउंटेबल आ जाए या फिर सिंगुलर काउंटेबल आ जाए, हमें हर हाल में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। मतलब आपको याद ये रखना है कि नथिंग बट और एवरीथिंग बट के बाद सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होना है, कुछ भी आए। एग्जाम्पल देखिए, नथिंग बट ट्री वॉज देयर, पेड़ के अलावा कुछ नहीं था, पेड़ के अलावा कुछ नहीं था, मतलब नथिंग बट ट्री वॉज देयर, वहां पेड़ के अलावा कुछ नहीं था। अब देखिए नथिंग बट स्ट्रक्चर है और ट्री क्या है, ट्री तो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये वाला है ट्री, ओके, तो यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। सेकंड देखिए, नथिंग बट ट्रीज वॉज देयर, नथिंग बट ट्रीज वॉज देयर, पेड़ों के अलावा वहां कुछ नहीं था, पेड़ों के अलावा। अब यहाँ पे ट्रीज देखिए, ट्रीज क्या है, प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन फिर भी हमने किसका प्रयोग किया, सिंगुलर वर्ब का, जो कि वॉज है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, नथिंग बट सैंड वॉज देयर, अब सैंड क्या है, मिट्टी, जो कि अनकाउंटेबल है, हम गिन नहीं सकते, उसका प्रयोग किया गया है, लेकिन ये वाला है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन हमने उसके बावजूद भी किसका प्रयोग किया है, वॉज का, जो कि क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो तीनों ही स्ट्रक्चर में हमें किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, रेत के सिवा कुछ नहीं था, वहां रेत के सिवा कुछ नहीं था, ये तीनों वाक्यों का अर्थ है। ओके, लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, वन ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन यूज सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, जब ये स्ट्रक्चर बनता है तब आप किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। वन ऑफ द लेबर वॉज ऑनेस्ट, वन ऑफ द लेबर वॉज ऑनेस्ट, वन ऑफ आ गया, द आ गया, लेबर क्या है, प्लूरल नाउन है, वन ऑफ द लेबर्स, वन ऑफ द लेबर्स वॉज ऑनेस्ट, श्रम में से एक ईमानदार था, मतलब लेबर में से एक ईमानदार था। अगर ये प्लूरल नाउन है, मतलब ये यहाँ पर एस लगा हुआ है, यहाँ थोड़ी सी एडिटिंग में मिस्टेक हुई है। अगला एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, अब देम क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके हिसाब से हमने किसका प्रयोग किया है, वॉज का प्रयोग किया है, जो क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ऊपर गिवन स्ट्रक्चर यही है कि वन ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, चाहे प्लूरल नाउन आए या प्लूरल प्रोनाउन आए, हमें तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने है, वन ऑफ देम वॉज अ फेमस सिंगर, उनमें से एक प्रसिद्ध गायक थे या गायक था। दूसरा क्या है, वन ऑफ द लेबर्स वॉज ऑनेस्ट, शर्म में से, मतलब लेबर्स में से एक ईमानदार लेबर था, मतलब शर्मिक था, काम करने वाला था। ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपने अगर कोई इम्पोर्टेंट नोट था जो आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा तो आपने राइट डाउन भी किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, और जो पॉइंट आपके लिए नए हैं आप उनको राइट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अगले वीडियो तक के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच।